मेरठ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले। मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास के करीब ही डेंटिंग पेंटिंग के कारखाने में लगी आग। इस आग ने लिया भयंकर रूप, आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य, आप देख सकते हैं किस तरह से भयंकर रूप लिया आग ने और पूरी तरह से इलाके में फैल गई आग। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद झुग्गी झोपड़ियों को भी नहीं छोड़ा, सैकड़ों आशियानों को निकल गई आग। आप देख सकते हैं दृश्य कितने भयंकर दृश्य हैं, आग के गोले ऊपर तक उठते हुए और धुएं का गुब्बार बहुत दूर तक फैलता हुआ लगातार आप देख सकते हैं। और एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जली हुई बसें, एक काफी बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। ये आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास से और लगातार हमने यहाँ पर कवरेज की है और लोगों को दिखाने की कोशिश की है किस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आम लोगों का नुकसान हुआ है। और ये खबर हम आपको दे रहे हैं मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास का मामला है, पूरी तरह से आग के घेरे में आ गई झुग्गी झोपड़ियाँ। देखिए यहाँ पे आती और उसमें छोटा छोटा कुछ कारोबार लोग करते हैं जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटल कोई काटने का है, कोई मशीन का वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से आग पकड़ी है। और यहाँ पे सारी कच्ची शॉप या कुछ थी तो जिसकी वजह से आग जल्दी पकड़ी है, पर अब फायर अंडर कंट्रोल है, ऑलमोस्ट आग बुझ चुकी है, पर आधा घंटा 40 मिनट और लगेगा पूरा। एक एक चीज को भी कुछ टायर भी है कुछ इस टाइप का भी है तो उसको सप्रेस करने में कोई भी जनहानि नहीं है और कोई भी पक्के मकानों या उस जगह पे आग नहीं पहुंची है। बाकी इसमें आगे जो भी हम लोग सर्वे करके कि क्या एग्जैक्टली क्या कारण और क्या इश्यूज है उसको फिर हम आपसे डिटेल पूछेंगे। सर पीछे भी काफी झुग्गी झोपड़ियां हैं, सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। नहीं, देखिए यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां लगातार छोटी छोटी हैं जिनमें एक में पकड़ी है तो ये वैक्सीन और कुछ कवर्स है जिसके ऊपर रहता है तो जल्दी आग पकड़ी है, पर अब रुक गई है। और एक बार आग रुक जाए हमारी पहली प्रायोरिटी है कि पूरी आग को पूरा कंट्रोल कर ले, कंट्रोल में है पर 30-40 मिनट और उसको पूरा एक तरीके से नलीफाई करने में लगेगा, उसके बाद बाकी की चीजें जो होंगी सर्वे या जो भी है नुकसान की क्षति का आकलन करते हुए फिर आप लोगों से शेयर। सर इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? नहीं, जो अभी प्रथम दृष्टया यही बताया गया है कि कोई या तो कोई जो वर्क करते रहते हैं या जो भी गैस का या कटिंग के लिए कुछ यूज करते हैं उसकी वजह से कुछ ब्लास्ट हुआ जो बताया गया प्रथम दृष्टया, एक बार हम और ढंग से चेक कर लें उसके बाद हम पूरी आपको एग्जैक्टली बताते हैं। सर कुछ कारखाने में जो आग लगी थी वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटे 2 घंटे देरी से फायर ब्रिगेड पहुंची है। नहीं, देखिए 1.5 घंटे पहले की यह पता है और अभी भी 10 फायर ब्रिगेड है और ऐसा नहीं है, जैसे ही सूचना मिली तत्काल फायर ब्रिगेड मूव कर दी। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सही समय पर पहुंच गई होती तो इस आग के नुकसान को कम किया जा सकता है था, लेकिन इसके बावजूद जब आए गाड़ियां 1-2 की तादाद में पहुंची उनसे आग कवर नहीं हुई, लगातार आग बढ़ती चली गई। उसके बाद निरंतर जब गाड़ियों की तादाद बढ़ी तो आग को कवर करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं इसने कुछ कामयाबी भी दिखाई दी, लेकिन इससे पहले ही आग बहुत लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुकी थी। के लिए मैं शाविश हूँ।